पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने उद्यमियों की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिंदु से संबंधित अधिकारी ही बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मार्ग इम्पैक्स निकट कोहिनूर चौराहा के बाहर नाली निर्माण के प्रकरण में एमडीए द्वारा अवगत कराया गया कि नाली के निर्माण के संबंध में ईओआई प्राप्त की गई है, जिसमें चार फर्मों एजेंसियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। तकनीकी बिट की स्वीकृति और वित्तीय बिट खोले जाने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। लघु उद्योग हेतु बिजली व्यवस्था के संबंध में विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बहुत जल्द ही एक माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लालपुर बस्तौर संबल रोड पर फाइबर केबल लगाने के संबंध में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि दूर संचार विभाग से बात करने पर 24 लाख रुपए की धनराशि का लेबर व्यय दूर संचार विभाग द्वारा बताया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी ने दूर संचार विभाग से वार्ता कर उद्यमियों के लिए फाइबर केबल के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। संबल रोड स्थित लालपुर बस्तौर में पानी निकासी हेतु नाला निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी ने नगर निगम को नाला निर्माण का कार्य करने के निर्देश दिए। महानगर हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त भलाई की भट्टियों का प्रस्ताव कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प को भेजे जाने संबंधी बिंदु पर जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग से कहा कि भट्टियों की वैल्यूएशन को परखा जाए। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि भट्टियां पर्यावरण हितेशी हों और भट्टियों में नई और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग देवराज गौतम, एलडीएम, श्रम, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।